हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों के बाद अमेज़ोन की जो शॉपिंग मैंने करी है उसका लोगों के साथ रिव्यू कर रही हूँ। तो मैंने यूबेला से पहले भी ज्वेलरीज मंगाई हैं और उनको शेयर भी किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं कुछ एक वीडियोस उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। बहुत ही अच्छे ज्वेलरीज होती हैं और अफोर्डेबल भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ ईयर रिंग्स मंगाए हैं, आपको दिखाती हूँ मैं। तो इसको ओपन करते हैं। सॉरी, मैंने ये कंसीलर भी मंगाया था मेबेलिन का, मैं इसको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि ये ज्वेलरी की वीडियो है तो पहले ज्वेलरी से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये बबल रैप होकर आया था, ओपन मैंने इसको पहले ही कर लिया था तो इसलिए इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से पैक होकर आया था। ये एक चोकर पीस है और साथ में इसके इयररिंग्स भी हैं। तो ये देखिए, इसके इयररिंग्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ में हैं, जैसे कि आपको शादी में डालने हैं, मतलब शादी के लिए या कोई भी फंक्शन के लिए आप इनको पहन सकते हैं। और मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं कुछ ऐसा चोकर टाइप में लूँ, मेरे पास ऐसा नहीं था कोई भी कि मैं चोकर टाइप में कुछ खरीदूँ और कंप्लीट सेट हो। तो बस ये इसका नेक पीस है और यहाँ पर ऐसे स्टोन दिए हुए हैं रेड में और पर्ल्स का भी कुछ काम किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा है ये पूरा का पूरा सेट। और जैसे कि होते हैं ना, कई पीस ऐसे होते हैं कि गंदे से गोल्ड आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब तो काफ़ी अच्छा है। आप इसको पहन सकते हो गाउन पे भी, साड़ी पे भी, सूट पे भी, आपको जैसे पहनना आप वैसे पहन सकते हैं। और ये बहुत ही अफोर्डेबल था, आई थिंक ये 200 प्लस का है। मैं आपको इसका जो भी प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है कहाँ से मैंने लिया है, सब कुछ आपको मैं इसकी जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो मतलब मेरी तरफ से तो इसको प्लस पॉइंट ही जाएंगे क्योंकि इसके कोई भी ऐसा स्टोन और पर्ल्स वगैरह निकले हुए नहीं हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही अटैच हैं। और इयररिंग्स की भी क्वालिटी अच्छी है। तो मैं, आप लोग देखना कैसी आपको लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैंने और भी पीसेस मंगाए हैं, बस वो जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शो करती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। और तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।